नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगर मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगर 1985 फिल्म। सितमगर 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राज एल सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राज एल सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो, संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप, अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी डीडा, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा, राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत, सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित, सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक, किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो, मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन, तुम दिल वालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार, प्यार जब ना दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाने नंबर पाँच, चंद रोज और मेरी शान, किशोर कुमार और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः, मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात, हम कितने नादान थे यारो। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग।
उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगर मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगर 1985 फिल्म। सितमगर 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी। निर्माता विक्रम सिंह गहल। अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप: अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें पैखाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवली, शंकर, परवीन बॉबी, लीला, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा, राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत: सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर 1 किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 तुम दिल वालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 प्यार जब न दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाने नंबर 5 चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 6 मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 हम कितने नादान थे यारो। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले
हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगर मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगर 1985 फिल्म। सितमगर 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राज एल सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राज एल सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो, संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप: अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है, उन्हें पैखाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी डीडा, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत: सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित, सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक किसी गरीब के दिल से, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मौसम प्यार का, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन तुम दिल वालों के आगे, इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार प्यार जब न दिया जिंदगी में, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चंद रोज और मेरी शान, किशोर कुमार और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः मेरी तरह अल्लाह करे, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात हम कितने नादान थे यारो, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है।
दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगढ़ मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगढ़ 1985 फिल्म। सितमगढ़ 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राज एन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, प्रवीण बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राज एन सिप्पी। निर्माता विक्रम सिंह गहल। अभिनेता धर्मेंद्र, प्रवीण बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप। अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवली, शंकर, परवीन बॉबी, दीदा, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा, राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन तुम दिल वालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार प्यार जब न दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाने नंबर पाँच चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात हम कितने नादान थे यारो। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी,
कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगर मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगर 1985 फिल्म। सितमगर 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी। निर्माता विक्रम सिंह गहल। अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप: अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी लीला, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी, गीता, बालिका निशा। संगीत: सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक किसी गरीब के दिल से, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मौसम प्यार का, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन तुम दिल वालों के आगे, इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार प्यार जब ना दिया जिंदगी में, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चंद रोज और मेरी शान, किशोर कुमार और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः मेरी तरह अल्लाह करे, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात हम कितने नादान थे यारो, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है,
इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगढ़ मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगढ़ 1985 फिल्म। सितमगढ़ 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी। निर्माता विक्रम सिंह गहल। अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप। अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी लीला, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन तुम दिल वालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार प्यार जब न दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाने नंबर पाँच चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात हम कितने नादान थे यार। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगढ़ मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगढ़ 1985 फिल्म। सितमगढ़ 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी। निर्माता विक्रम सिंह गहल। अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप। अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी डीडा, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर 1 किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 तुम दिलवालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 प्यार जब न दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 6 मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 हम कितने नादान थे यारो। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगर मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगर 1985 फिल्म। सितमगर 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राज एल सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लों मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राज एल सिप्पी। निर्माता विक्रम सिंह गहल। अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप। अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी डीडा, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा, राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन तुम दिल वालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार प्यार जब न दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाने नंबर पाँच चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात हम कितने नादान थे यारो। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो
तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगढ़ मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगढ़ 1985 फिल्म। सितमगढ़ 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी। निर्माता विक्रम सिंह गहल। अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप। अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उससे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उससे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवली शंकर, परवीन बॉबी लीला, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर 1 किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 तुम दिल वालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 प्यार जब न दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाने नंबर 5 चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 6 मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 हम कितने नादान थे यारो। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगर मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगर 1985 फिल्म। सितमगर 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लों मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी। निर्माता विक्रम सिंह गहल। अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप। अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी डीडा, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा, राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन तुम दिल वालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार प्यार जब ना दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात हम कितने नादान थे यारो। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगढ़ मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करते हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगढ़ 1985 फिल्म। सितमगढ़ 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लों मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी। निर्माता विक्रम सिंह गहल। अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लों। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप। अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवली, शंकर, परवीन बॉबी, दीदा, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लों, निशा, राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक, किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो, मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन, तुम दिल वालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार, प्यार जब न दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाने नंबर पाँच, चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः, मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात, हम कितने नादान थे यारो। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल, इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगढ़ मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगढ़ 1985 फिल्म। सितमगढ़ 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो, संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप, अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू और शंकर, परवीन बॉबी, लीला, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा, राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी, गीता, बालिका निशा। संगीत, सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित, सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक, किसी गरीब के दिल से, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो, मौसम प्यार का, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन, तुम दिल वालों के आगे, इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार, प्यार जब ना दिया जिंदगी में, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच, चंद रोज और मेरी शान, किशोर कुमार और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः, मेरी तरह अल्लाह करे, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात, हम कितने नादान थे यारो, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल, इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगर मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगर 1985 फिल्म। सितमगर 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लों मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी। निर्माता विक्रम सिंह गहल। अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लों। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप। अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी लीला, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लों, निशा राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक, किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो, मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन, तुम दिल वालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार, प्यार जब न दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाने नंबर पाँच, चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः, मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात, हम कितने नादान थे यार। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगढ़ मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगढ़ 1985 फिल्म। सितमगढ़ 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी। निर्माता विक्रम सिंह गहल। अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप। अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी डीडा, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर 1 किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 तुम दिल वालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 प्यार जब न दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाने नंबर 5 चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 6 मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 हम कितने नादान थे यारो। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन
वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगर मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगर 1985 फिल्म। सितमगर 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राज एल सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन, बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लों मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राज एल सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन, बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लों, संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप, अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है, उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी डीडा, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लों, निशा राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत, सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित, सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक, किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो, मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन, तुम दिल वालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार, प्यार जब न दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच, चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः, मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात, हम कितने नादान थे यारो। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको
सितमगढ़ मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगढ़ 1985 फिल्म। सितमगढ़ 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राज एन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन, बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राज एन सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन, बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो, संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप: अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है, उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उससे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उससे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवली, शंकर, परवीन बॉबी, लीला, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा, राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी, गीता, बालिका, निशा। संगीत: सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित, सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर 1 किसी गरीब के दिल से, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मौसम प्यार का, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 तुम दिल वालों के आगे, इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 प्यार जब न दिया जिंदगी में, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 चंद रोज और मेरी शान, किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 6 मेरी तरह अल्लाह करे, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 हम कितने नादान थे यारो, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगढ़ मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगढ़ 1985 फिल्म। सितमगढ़ 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप। अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी डीडा, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी, गीता, बालिका निशा। संगीत। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन तुम दिल वालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार प्यार जब ना दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात हम कितने नादान थे यारो। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको सितमगढ़ मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगढ़ 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो, संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप, अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है, उन्हें पैखाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवली, शंकर, परवीन बॉबी, लीला, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा, राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत, सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित, सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर 1, किसी गरीब के दिल से, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2, मौसम प्यार का, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3, तुम दिल वालों के आगे, इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4, प्यार जब न दिया जिंदगी में, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5, चंद रोज और मेरी शान, किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 6, मेरी तरह अल्लाह करे, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7, हम कितने नादान थे यारो, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगढ़ मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगढ़ 1985 फिल्म। सितमगढ़ 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राज एल सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राज एल सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप। अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी डीडा, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी, गीता, बालिका निशा। संगीत। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन तुम दिल वालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार प्यार जब ना दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात हम कितने नादान थे यारो। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको सितमगढ़ मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगढ़ 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राज एन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, प्रवीण बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राज एन सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, प्रवीण बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो, संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप, अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवली, शंकर, परवीन बॉबी, लीला, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा, राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत, सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित, सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक, किसी गरीब के दिल से, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो, मौसम प्यार का, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन, तुम दिल वालों के आगे, इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार, प्यार जब न दिया जिंदगी में, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच, चंद रोज और मेरी शान, किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः, मेरी तरह अल्लाह करे, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात, हम कितने नादान थे यारो, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको
सितमगर मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगर 1985 फिल्म। सितमगर 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप। अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी डीला, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन तुम दिल वालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार प्यार जब न दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात हम कितने नादान थे यारो। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम आपको सितमगर मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगर 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राज एन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लों मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राज एन सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लों, संगीतकार राहुल देव बर्मन, प्रदर्शन तिथियां 1985, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप, अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है, उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवली, शंकर, परवीन बॉबी, लीला, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लों, निशा, राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत, सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित, सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर 1, किसी गरीब के दिल से, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2, मौसम प्यार का, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3, तुम दिल वालों के आगे, इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4, प्यार जब न दिया जिंदगी में, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5, चंद रोज और मेरी शान, किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 6, मेरी तरह, अल्लाह करे, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7, हम कितने नादान थे यारो, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगर मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगढ़ 1985 फिल्म। सितमगढ़ 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो। संगीतकार राहुल देव बर्मन। प्रदर्शन तिथियां 1985। देश भारत। भाषा हिंदी। संक्षेप। अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी लीला, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा, राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित। सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर 1 किसी गरीब के दिल से। इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मौसम प्यार का। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 तुम दिलवालों के आगे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 प्यार जब ना दिया जिंदगी में। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 चंद रोज और मेरी शान। किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 6 मेरी तरह अल्लाह करे। इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 हम कितने नादान थे यारो। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगढ़ मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगर 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राज एन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लों मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राज एन सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लों, संगीतकार राहुल देव बर्मन, प्रदर्शन तिथियां 1985, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप: अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है, उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी डीडा, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लों, निशा राजेंद्रनाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत: सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित, सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक किसी गरीब के दिल से, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मौसम प्यार का, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन तुम दिल वालों के आगे, इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार प्यार जब ना दिया जिंदगी में, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चंद रोज और मेरी शान, किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः मेरी तरह अल्लाह करे, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात हम कितने नादान थे यारो, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सितमगर मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगढ़ 1985 फिल्म। सितमगढ़ 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राजन सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो, संगीतकार राहुल देव बर्मन, प्रदर्शन तिथियां 1985, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप, अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है, उन्हें पैखाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवली, शंकर, परवीन बॉबी, लीला, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा, राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू, श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी गीता, बालिका निशा। संगीत, सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित, सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर 1 किसी गरीब के दिल से, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 मौसम प्यार का, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 तुम दिल वालों के आगे, इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 प्यार जब न दिया जिंदगी में, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 चंद रोज और मेरी शान, किशोर कुमार और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर 6 मेरी तरह अल्लाह करे, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 हम कितने नादान थे यारो, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वीडियो हमने किस आधार पर बनाई है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको मूवी की पूरी कहानी, कलाकारों के नाम और किस कलाकार ने किस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, इन सब को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस वीडियो में मूवी नहीं है, लेकिन वीडियो में मूवी की पूरी कहानी बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको
सितमगर मूवी के विषय में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। सितमगर 1985 फिल्म। सितमगर 1985 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। यह राज एल सिप्पी द्वारा निर्देशित और इसमें धर्मेंद्र, परवीन, बॉबी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लो मुख्य भूमिकाओं में हैं। निर्देशक राज एल सिप्पी, निर्माता विक्रम सिंह गहल, अभिनेता धर्मेंद्र, परवीन, बॉबी, ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लो, संगीतकार राहुल देव बर्मन, प्रदर्शन तिथियां 1985, देश भारत, भाषा हिंदी। संक्षेप। अपनी किशोरावस्था में सोनू श्रीनाथ, श्री राम लागू, उनकी पत्नी और सौतेली बेटी निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुंचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है और उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। जब शंकर को पता चलता है कि कुंदन को मारने के लिए जय कुमार, ऋषि कपूर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह उसको भगाने की कोशिश करता है। फिर बाद में उसे पकड़ने जाता है। इसके बाद शंकर को पता चलता है कि जय निशा का प्रेमी है। निशा और उसके पिता दोनों से अपना बदला लेने के लिए वह एक तीर से दो निशाने लेने का फैसला करता है। उसे अब अपने अपमान और पीठ पर अपने जलने का निशान का बदला लेना है और निशा को उसे शादी करने के लिए मजबूर करना है, वरना वह जय को पुलिस को सौंप देगा, जिससे उसे फांसी तक हो जाएगी। सोनू को शीला परवीन बॉबी से प्यार हो जाता है। मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, सोनू अवलिक शंकर, परवीन बॉबी डीडा, ऋषि कपूर, जय कुमार, पूनम ढिल्लो, निशा राजेंद्र नाथ, श्री राम लागू श्रीनाथ, प्रेम चोपड़ा, जीवन कुमार, जगदीश राज, माइकल, गुरु बच्चन सिंह, कुल्लू, अलंकार जोशी, सोनू, बेबी, गीता, बालिका निशा। संगीत। सभी गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा लिखित, सारा संगीत राहुल देव बर्मन द्वारा रचित। गाना नंबर एक किसी गरीब के दिल से, इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो मौसम प्यार का, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन तुम दिल वालों के आगे, इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार प्यार जब ना दिया जिंदगी में, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच चंद रोज और मेरी शान, किशोर कुमार और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया है। गाना नंबर छः मेरी तरह, अल्लाह करे, इस गाने को आशा भोसले और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात हम कितने नादान थे यारो, इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।